हेलो एंड वेलकम एमएस सर की पाठशाला में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं एमएस सर आपका हजारों भागों के नगरी से स्वागत करता हूँ। हो चुका आगाज, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी है। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना बंद कर दे, तू जिंदा है और जिंदगी के नाम में दम कर दे। जब तक धरती पर रहोगे तब तक जिंदगी को परेशान करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है, ठोकर खाते रहो, आगे बढ़ते रहो। आपका आगे बढ़ने से कोई नहीं रुक सकता, आपकी मंजिल को पूरा करने से कोई रोक नहीं सकता। हमारे पास मैं आप एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। कक्षा दर्शन का प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न है, उसमें बोलता क्या है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 या 5 क्वेश्चन, उसको मैं 2 आज सॉल्व करूंगा, फिर अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन प्रश्नावली 8.2 पढ़ने से पहले एक सारणी है, ये ध्यान रखिएगा। सारणी का नाम है 8.1। 8.1 में क्या कहता है वो, उसमें बोलते हैं इन सभी का वैल्यू दिया हुआ है। ये वैल्यू अगर नहीं याद रहेगा ये क्वेश्चन आपको दिक्कत होगा। जैसे मुझे तो पता है कि साइन 60° बराबर अंडर रूट 3/2 होता है, लेकिन आपको पता कैसे होगा, ये सारणी ही आपको बताएगा। अगर सारणी में प्रॉब्लम होगा, आप समझ नहीं पा रहे होंगे, तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हल में यहाँ क्वेश्चन रिपीट कीजिए, साइन 60° इंटू कॉस 30° प्लस साइन 30° और कॉस 60°। अब ये 4 है, इन चारों का मान अगर आप उस सारणी में देखेंगे तो सारणी में साइन 60° का मान बोलता है अंडर रूट 3/2। फिर कॉस 30° का मान भी देखिएगा, इसका भी मान आएगा अंडर रूट 3/2 प्लस साइन 30° का मान 1/2 है, कॉस 60° का मान वैल्यू है 1/2। ये कहाँ से आया, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये जो है सारणी 8.1 प्रश्नावली 8.2 के जस्ट पीछे है, उसको बॉक्स को जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा आपको। अंडर रूट अभी 3/2 और अंडर रूट 3/2 इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का संबंध, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 और इन दोनों को 4। यहाँ क्या जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4 होगा। बेस सेम हो गया तो ये फ्रैक्शन का एक भिन्न का जोड़ जिसको लोग बोलते हैं। आधार से एलसीएम 4 ही आ गया, तब ऊपर में कुछ नहीं करना, जब नीचे सेम होता है तो ऊपर आपको पता है कि 4/4 हो जाएगा और ये कट करके इसका आंसर 1 आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर। बहुत ईजी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये जरूर पूछेगा, ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए आप देख रहिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 2 नंबर सॉल्व करते हैं लोग। 2 नंबर में क्या बोलता है, इसमें बोला है कि 2 tan² 45° प्लस cos स्क्वायर 30° माइनस sin स्क्वायर 60° सॉल्व कीजिए। यहाँ फिर आप फंसेंगे जब तक वो वैल्यू नहीं ध्यान रखेंगे, मान अगर आप जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप फंसने वाले हैं। तो मान लें यहाँ जैसे मुझे पता है कि 10 45° बराबर होता है 1/2 का होल स्क्वायर है। अब इसके पहले क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ, तो मैं लगा दिया 2। क्वेश्चन लोग पढ़ रहे थे कि 2 tan² 45° प्लस cos स्क्वायर 30° माइनस sin स्क्वायर 60°। तो 10 45° का वैल्यू होता है 1। अब यहाँ स्क्वायर किया हुआ, इसके ऊपर स्क्वायर किया हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसके ऊपर भी स्क्वायर होगा और यहाँ लगेगा 2। क्यों, कि 2 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो लिखेंगे इसके अगला स्टेप पे 2 ब्रैकेट 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ फिर से cos स्क्वायर 30° है, लेकिन cos 30° का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट 3/2 होता है, इसका होल स्क्वायर करेंगे। माइनस sin² 60° है,
तो sin स्क्वायर 60 डिग्री का भी मान होता है √3/2, लेकिन यहाँ भी स्क्वायर है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट काट सकते हैं या एक स्टेप बढ़ाना क्यों मैंने तो बढ़ाइए, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तो करने की काटने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आप यहाँ से देख के लिख लीजिएगा। आप बताइए कि 2 का 2 होगा 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, यहाँ ना √3 का स्क्वायर क्या होगा 1/3 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, माइनस सेम चीज है तो सेम चीज यहाँ भी आएगा, ये 3/4 और 3/4 कट गया, क्यों प्लस में माइनस में तुम्हारे पास आया 2 1 2, ये रहा आपका आंसर। इसके आगे वाले जो भी क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा, तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन या नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलेंगे, उससे हमारे नए वीडियो की सूचनाएं आपको प्राप्त होती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।